Yo, what is going on guys, welcome back to the channel to a brand new video. This is a quick guide to Choi Jong-in. तो चोई जोंग इन के बिल्ड के बारे में बात करेंगे तो ही इज़ अ फायर टाइप डैमेज डीलिंग कैरेक्टर जो कि स्केल करता है अपने अटैक पर. डेफिनेटली आपको इसके अटैक को जितना ज़्यादा हो सके उतना करना है. नाउ टॉकिंग अबाउट इस वेपन, एवरीवन गॉट इस वेपन फॉर फ्री इन द अर्ली एक्सेस. अभी इसे रेगुलर बैनर पर ऐड कर दिया गया, सो वी आर नॉट श्योर इफ देर विल बी अ रीरन फॉर चोई जोंग इन, बट इफ इट विल बी तो इसके वेपन का इवेंट आएगा जिसे सभी को इसका वेपन फ्री में मिलेगा. और अगर इसका वेपन आपके पास है तो इंक्रीज द यूजर्स अटैक बाय 7.5% विच इज ग्रेट. व्हेन अटैकिंग द टारगेट बर्न्ड बाय चोई जोंग इन द यूजर्स the target's defense decrease by 9.5%. यानी कि ये हर बार ऑलमोस्ट अप्लाइड रहेगा ही. तो दिस इज रियली रियली गुड वेपन इन माई ओपिनियन. अब अगर हम चोई जोंग इन के स्किल्स पर आते हैं तो ये थोड़ा यूनिक है. नाउ चोई जोंग इन क्रिट डैमेज नहीं कर सकता, आप यहाँ पे देख सकते हो, लेकिन ये क्रिट नहीं कर सकता. इस वजह से इसका अटैक को 40% से बढ़ा दिया गया है. और जब आप इसके एंड ऑफ द अल्टीमेट हंटर एंड ऑफ डेज यूज करोगे, इसका फाइनल स्किल है अल्टीमेट स्किल, ओके, एंड ऑफ डेज इज दिस वन अल्टीमेट स्किल, तो ये क्या करेगा, रीसेट कूलडाउन करेगा रेन ऑफ फ्लेम्स एंड फ्लेम स्पीयर का, विच इज ग्रेट, राइट. और अपना अटैक और डिफेंस पेनिट्रेशन 12% से बढ़ा देगा. सो ही इज रियली गुड एट A0. लेकिन अगर आप A1 कर लेते हो तो ये इसको मीटियोर बना देता है, मतलब छोटे छोटे मीटियोराइट्स की जगह बड़ा सा मीटियोराइट गिराता है. ना अब इसके बाकी स्किल्स पर आते हैं. स्वेंड ऑफ डेज इनसेन अमाउंट ऑफ डैमेज और एयरबॉर्न कर देता है एनिमी को. QTE स्किल में ये आएगा, एनिमी पे बर्न लगाएगा और डिफेंस डिक्रीज लगाएगा विच इज ह्यूज, और डैमेज भी करेगा इनसेन अमाउंट, ठीक है. सपोर्ट स्किल के बारे में बात करेंगे तो फिर से बर्न और डिफेंस डिक्रीज लगाएगा, सो ही इज अ रियली गुड सपोर्ट कैरेक्टर एज वेल, और डैमेज डील भी काफी तगड़ा है इसका. अब इसके हम फ्लेम स्पेयर के बारे में बात करेंगे. फुल ऑन DPS 1600%, किसी का भी इतना ज्यादा स्केल नहीं करता है, एंड रेन ऑफ फ्लेम्स भी 1600%, सो ही हैज एन इनसेन अमाउंट ऑफ डैमेज. इसके बेसिक अटैक पे भी काफी अच्छा बर्न इफेक्ट है, तो ये बर्न करते रहेगा एनिमी को रेगुलरली, सिमिलर टू पॉइजन. अब चोई जोंग इन अटैक पर स्केल करता है, सो आपको फुल ऑन अटैक पे जाना है इसके. सो यू वांट टू पुट ऑन एज मच अटैक पॉसिबल, तो इस पे आर्म सेट काफी तगड़ा है. 5% अटैक बढ़ेगा और साथ में यूजर 15% एनिमी का डिफेंस इग्नोर करेगा. पहले 15% डिफेंस डाउन भी लगाएगा और 15% एनिमी का डिफेंस इग्नोर करेगा, तो बेसिकली 30% डैमेज इंक्रीज हो जाएगा, if that's right, but it doesn't relate to equal of that amount, but it is still insane. अब accessories के बारे में बात करेंगे तो accessories में you want to go with skeleton set, क्योंकि जब इसका 70% से नीचे HP होगा तो इसका damage dealt 30% बढ़ जाएगा, so this is one of the best for him. ये crit नहीं करता है, so you don't want to give him sets like जो crit apply, crit होने पे activate होते हैं. For example, आपको red eye नहीं देना है क्योंकि crit होने पर activate होता है और ये crit नहीं करता है. B set आपको नहीं देना है क्योंकि crit होने पर apply होता है, तो ये crit नहीं करता है, so ये भी apply नहीं होगा, ठीक है. यू कैन गो फॉर वर्डेसेंट सेट इफ यू वॉन्ट टू. सो या दीज टू आर द वन विच आई बिलीव इज द बेस्ट. आप एक्वामरीन के लिए भी जा सकते हो क्योंकि 28% अटैक बढ़ेगा जब आप टैग आउट करोगे, राइट. सो दिस इज रियली गुड, तो आप एक्वामरीन भी इसको दे सकते हो, दैट इज ऑल्सो चॉइस आउट देयर. सो या विद दैट आई एंड दिस वीडियो हियर. आई होप यू लाइक द चोई जोंग इन गाइड. इफ यू डिड लीव अ लाइक एंड सब्सक्राइब इफ यू हैवंट, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन. टिल देन पीस आउट, टेक केयर, बाय.